तो वैसे तो पार्थ चटर्जी के साथ अंगूठियां उतार दी और सिर्फ एक अंगूठी अभी उन्होंने पहने हुई थी। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि सात अंगूठी उतारने वाले पार्थ चटर्जी ने आठवीं अंगूठी क्यों नहीं उतारी। दरअसल जज साहब जिस एक अंगूठी पर नाराज हुए थे वो दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में पहनी हुई थी जिसमें पन्ना जड़ा हुआ था। शायद पार्थ चटर्जी ज्योतिष सलाह के तहत ये मानकर चल रहे थे कि इसे पहनने से उनके अच्छे दिन जल्द ही रीस्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है यही सोचकर उन्होंने ये अंगूठी ना उतारी हो। अब उनका अच्छा समय आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी एक अंगूठी के कारण जेल सुपरिटेंडेंट का बुरा समय जरूर शुरू हो गया। वैसे बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में जेल सुपरिटेंडेंट की कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। राज्य के अधिकारियों ने ममता बनर्जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके डर से कोई अधिकारी पार्थ चटर्जी को कुछ कहने से डरता है। सीधा अटैक टीएमसी पर है लेकिन पार्टी इस पर मौन है और साख बचाने वाला रवैया अपनाए हुए है। कह रही है कि मामला कोर्ट में है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जेलर को दोष नहीं दूंगा। जेलर के ऊपर कितना दबाव है, ये दबाव कौन किया? ये तृणमूल सरकार ने किया, ममता बनर्जी ने किया। इसीलिए मंत्री का अंगुली से अंगूठी हटाने का काम जेलर जानते हुए भी करते हुए भी कर नहीं सकते। वो जानते हैं कैसे करते, लेकिन उपाय नहीं है उनका। उनको नकड़ी करना है, उनको इज्जत से जीना है। और वो लोग पार्थ चटर्जी से जबरदस्ती अंगूठी उतार देते, उनका जीना हराम कर देते तृणमूल कांग्रेस। इस बात में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये कोर्ट का इश्यू है, कोर्ट देखेगा। इस बात में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये कोर्ट का इश्यू है, कोर्ट देखेगा। ओह, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।